थैंक यू सो मच आयुषी, और आप बहुत 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 स्पेशल धमाका यहाँ होने वाला है क्योंकि निधि जी के सारे फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर आग लगाने के लिए। जोरदार तालू से स्वागत करो। दोस्तों का दर्शन देखने के हम तैयार हैं, लेकिन निधि जी के बारे में, निधि जी के दोस्तों के बारे में मैं जितना अच्छे से कहूंगी उससे ज्यादा अच्छे से उनके खुद के फ्रेंड कह पाएंगे, तो मैं आदित्य को बुला रही हूँ। जोरदार ताली बजाएं आदित्य के लिए। एंड आदित्य माइक आपको मैं सौंप रही हूँ, उसके बाद जो यारों का दर्शन हमें दिखने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, और आज जो बधाई आप दे रहे हैं दोनों को उसके बारे में भी कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। हम निधि के वो ओवर एंथुसियास्टिक दोस्त हैं जो काफी सालों से इस दिन का वेट कर रहे थे, पर ये जर्नी कैसे हुई है मैं कुछ लाइंस में बताना चाहता हूँ जो हम लोगों ने निधि के लिए आज लिखी है। थोड़ा सा ड्रामेटिक है क्योंकि निधि को बॉलीवुड बहुत पसंद है, तो उन्हीं लाइंस में लिखा गया है। एक लड़की थी अनजानी सी, रिलेशनशिप से डरती थी, नाचती गाती इतराती सी, वाइजैक के कॉलेज में लॉ वो पढ़ती थी। दिल्ली जाना था उसको, कॉलेज से पहले मौजे जो करनी थी। दिल्ली जाके निर्मा के प्रभात से वो जा मिली, उसके बाद जो हुआ, जैसा हुआ, कैसा हुआ और क्यों हुआ, आइए देखते हैं निधि और प्रभात की कहानी कुछ खास दोस्तों की जुबानी। गानों पे खास ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस ना हो जाए। टू निधि एंड प्रभात फ्रॉम ऑल ऑफ अस, गिव इट अप फॉर TSNLU। Oh,
और यहाँ दोस्तों ने जो रंग जमाया है, जो परफॉर्मेंस की जो स्टोरी बताई, उसके लिए जोरदार तालियां। निधि जी बॉलीवुड से जितना प्यार करती हैं, आज इनकी सारी तमन्नाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। और अब अगर निधि जी के दोस्त